सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट आवर टॉपिक आवर लेसन दैट इज इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स। अभी तक हमने कॉन्स्टिट्यूशन डिज़ाइन पढ़ा, टाइप ऑफ डेमोक्रेसी पढ़ा, तो उसके बाद हमने ये सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट हम समझ रहे हैं कि गवर्नमेंट जो है वो डेमोक्रेसी आजकल एक रीसेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, और दूसरा कि जो गवर्नमेंट है वो अपने मन मर्जी का शासन नहीं करती, दैट रन अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन रूल इज द सुप्रीम ऑफ ऑल अबव द लॉ, ऑल अबव द गवर्नमेंट्स एंड किंग एनी पावर, तो कानून सबसे ऊपर होता है। तो अब कानून कॉन्स्टिट्यूशन डिस्कस करने के बाद हम डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स को। सो स्टूडेंट्स, दिस इज आवर लेसन इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स एंड दिस इज द बुक PDF। वी विल कंटिन्यू फ्रॉम द रीडिंग ऑफ द बुक। सो वेरी फर्स्ट दिस इज द फ्रंट पेज ऑफ द लेसन एंड देन दैट इज नेक्स्ट पेज फ्रॉम वेयर आवर लेसन स्टार्टेड। वाई इलेक्शन? तो इलेक्शन आपने बेटा बहुत बार नाम सुना होगा, इलेक्शंस का आप जिक्र सुनते ही रहते हैं टीवी में, कभी हमारे देश में जो है रिसेंटली अभी इलेक्शन हुए थे, तो उसके बारे में आप सब जानते हैं इलेक्शन क्या होता है। इसी को ब्रॉड कंसेप्ट में समझाने के लिए आपको हम आगे इस लेसन को समझाएंगे, ताकि आप समझ सकें कि वाई वी नीड इलेक्शन। इलेक्शन तो क्या है आपको समझ में आता है, पर ये करवाए क्यों जाते हैं, हमें क्यों ज़रूरत है, एंड हाउ वी कंडक्टेड इट, व्हाट टाइप ऑफ इलेक्शंस शुड बी वी हैव टू कंडक्ट, किस तरह के इलेक्शन हमें कराने चाहिए, क्या हो ज़रूरत है इनकी, ये सब क्वेश्चन दिमाग में उठते हैं जब हम एज अ सिटीज़न नागरिक के रूप में कन्वर्ट होते हैं, बड़े होते हैं। सो वेरी फर्स्ट इज़ दैट वाई इलेक्शन। सो वाई इलेक्शन में कि आपको कटिंग दिखाई गई है असेंबली इलेक्शन हरियाणा, तो इसमें आपको एक न्यूज़पेपर की कटिंग ये देखिए दिखाई गई है कि दिस वॉज द टाइम इज आफ्टर मिडनाइट, के ये जो अखबार की कटिंग है, न्यूज़पेपर कटिंग है, इसमें बताया क्या जा रहा है, द टाइम इज आफ्टर मिडनाइट एंड एक्सपेक्टेंट क्राउड, मतलब जो भीड़ थी उसको उम्मीदें थी और बैठी थी उम्मीद के साथ, सिटिंग फॉर द पास्ट 5 आवर्स, पिछले 5 घंटों से भीड़ बड़ी उम्मीद के साथ बैठी थी इन ए चौक ऑफ द टाउन, गांव के कस्बे के एक चौक में, इज वेटिंग फॉर इट्स लीडर टू कम, और किस लिए बैठी थी कि लीडर आना था और लीडर उन्हें संबोधित करना था, और रात के 12 बजे का मिडनाइट का समय था। द ऑर्गेनाइजर अशोर that and reassured the crowd that he would be here anytime। और जैसा कि आप सब ये दृश्य से वाकिफ होंगे कि बार बार जिसने जो मीटिंग का रखने वाले होते हैं वो बार बार कहते हैं कि वेट करो, थोड़ा सा आने वाले हैं लीडर, तो क्राउड स्टैंड अप एवरी पासिंग व्हीकल कम्स दैट, और जैसे ही कोई व्हीकल जाता भीड़ को लगता आगे और वो खड़े होकर झांकने लगते। तो ये किसके बारे में है, कौन लीडर आ रहा था, द लीडर इज मिस्टर देवीलाल, आपने जरूर इसका नाम सुना होगा देवीलाल का, चीफ ऑफ द हरियाणा संघर्ष समिति, उस समय वो हरियाणा संघर्ष समिति के मुखिया थे, और जो उस एड्रेस को मीटिंग को एड्रेस करने आ रहे थे करनाल में, करनाल की ये बात है, रात के 12 बजे, 76 ईयर ओल्ड लीडर थे वो, और बहुत ही बिजी मैन थे, इन दिनों इलेक्शन में सब बिजी हो जाते हैं खासकर लीडर्स, तो दिस हिज डे स्टार्ट्स एट 8 AM, उनका दिन 8 बजे शुरू होता था और 11 बजे खत्म होता था। ही हैड ऑलरेडी एड्रेस 9 इलेक्शन मीटिंग सिंस मॉर्निंग, और सुबह से वो क्या कर रहे थे, 9 उन्होंने मीटिंग्स को संबोधित किया था, एंड constantly addressing public meeting from the past 23 months, और पिछले 23 महीनों से near about 2 years हो गए, तो वो प्रिपेयर कर रहे थे, इलेक्शन की तैयारी कर रहे थे। तो ये एक आपको एग्जाम्पल कटिंग न्यूज़पेपर की रिपोर्ट दिखाई गई है, 19 ये कब की है, क्यों दिखाई गई, क्यों बताया गया, क्यों डिस्कस किया गया, लेट्स सी कि ये न्यूज़पेपर रिपोर्ट क्या है, ये स्टेट असेंबली इलेक्शन
हरियाणा के 1987 में हुए उनकी रिपोर्ट है, उनकी न्यूज़पेपर रिपोर्ट है, उस समय न्यूज़पेपर में जो छपी थी वो खबर है। द स्टेट हैज बीन रूल्ड बाय लेट्स वेट, जस्ट वेट बेटा फॉर सम टाइम, यस नाउ। सो 1987 के इलेक्शन की ये कवरेज है, 1987 के इलेक्शन का ये जो टाइम दिखाया जा रहा है इसमें, ये तब का इलेक्शन का 1987 के इलेक्शन का टाइम है। और स्टेट हैड बीन रूल्ड बाय कांग्रेस पार्टी, उस समय कांग्रेस पार्टी का शासन था। और चौधरी देवीलाल जो हैं, जिनकी हम बात कर रहे थे अभी ऊपर इसमें इस वाले स्टेंजा में, कि उन्होंने जो है वो कांग्रेस से अपोजिशन लीडर थे, उन्होंने कांग्रेस से अलग होकर के अपनी एक नव्य युद्ध, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, नव्य युद्ध नामक पार्टी बना ली थी। और मतलब स्ट्रगल फॉर जस्टिस उन्होंने नारा दिया, लोकदल। अब बाद में इस पार्टी को क्या नाम मिला, लोकदल, जिसे आजकल आप INLD बोलते हैं। तो उस कारण से इस पार्टी ज्वाइंट अदर अपोजिशन पार्टी टू फॉर्म द फ्रंट अगेंस्ट द कांग्रेस, और उनकी पार्टी ने दूसरी अपोजिशन पार्टी, दूसरे विरोधी दलों के साथ, जो दूसरे विपक्षी दल थे उनके साथ मिल करके कांग्रेस के खिलाफ इलेक्शन में मोर्चा खोला। तो इन दिस इलेक्शन कैंपेन देवीलाल सेड दैट इफ हिज पार्टी वोन द इलेक्शन, अब इलेक्शन में आपको पता है कि प्रोमिसेस होते हैं, और प्रोमिसेस होने पर जो है पॉलिटिकल पार्टियां इलेक्शन जीतने के लिए एज यू नो के तरह तरह के प्रोमिस करती हैं। तो देवीलाल कांग्रेस के खिलाफ लड़ रहे थे, तो देवीलाल ने कांग्रेस के खिलाफ इलेक्शन लड़ते हुए जो है वो क्या प्रोमिसेस किए कि अगर उसकी पार्टी जीतती है और वो गवर्नमेंट में आते हैं तो वो हिज पार्टी वुड वेव द लोन, वेव मतलब खत्म कर देंगे, हटा देंगे लोन्स ऑफ फार्मर, किसानों के सारे लिए हुए लोन हटा देंगे, स्मॉल बिजनेसमैन्स, छोटे बिजनेसमैन्स ने जो लोन ले रखे हैं वो खत्म कर देंगे। ही प्रोमिस दैट हिज दिस वुड बी द फर्स्ट एक्शन ऑफ द ऑफ हिज गवर्नमेंट, और ये इसकी सरकार का पहला एक्शन होगा, आते ही वो किसानों के लोन और बिजनेसमैन के लोन माफ कर देंगे। तो ऐसा जैसा कि हर इलेक्शन में होता है, पिछली सरकार से लोग ना खुश होते हैं, तो उस समय भी ऐसा ही था, पीपल वर अनहैप्पी विद द एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट, कांग्रेस सरकार से ना खुश थे और देवीलाल के वायदों से अट्रैक्ट हो गए। सो व्हेन इलेक्शन वर हेल्ड दे वोटेड ओवरविलिंगली का मतलब होता है पूरे जोश के साथ, और लोकदल के लिए उन्होंने, लोकदल और लोकदल के साथ जो पार्टियां जुड़ी थी, यानी देवीलाल की पार्टी और उसके साथ जो पार्टियां जुड़ी थी, उनके लिए पूरे जोश शोर से वोट दिया, और 90 सीट्स में से 6 सीट्स उनको मिली। लोकदल वोट जो है, लोकदल को सिर्फ लोकदल को 60 सीट्स मिली, यानी 90 में से 60 सीट लोकदल ले गया। और इस तरह से कांग्रेस को उस समय जब इलेक्शन हुए उससे पहले जो पार्टी कांग्रेस रूलिंग पार्टी थी वो केवल 5 ही सीट जीत पाई। ये पूरा स्टेंजा हमें क्या दर्शा रहा है, हमें दर्शा रहा है कि लोग सरकार जो काम कर रही होती है उससे ना खुश हो जाते हैं, क्यों, वो उनकी एक्सपेक्टेशन को पूरा नहीं करते हैं। और जो व्यक्ति जो नए वायदे करते हैं, जो पार्टीज नई पार्टीज अपने प्रोमिसेस करती हैं, अट्रैक्टिव प्रोमिसेस करती हैं, लोग उनसे अट्रैक्ट होकर के सोचते हैं कि ये हाँ हमारे लिए कुछ ज़रूर करेंगी, इनको मौका देकर देखते हैं, उनको मौका देते हैं। और बदले में होता क्या है, बदले में आप देख सकते हैं, सब जानते हैं, यू आर वेरी वेल अवेयर अबाउट दैट, कि बदले में लोग जान जाते हैं कि आगे भी उन्हीं वो सरकारें भी वैसा ही करती हैं। तो अब हम देखते हैं, लोकदल को 90 में से 60 सीट मिली और कांग्रेस को सिर्फ 5 सीट मिली। तो अब इलेक्शंस में क्या हुआ कि लोगों को जो, जैसा कि देवीलाल ने जो राजगद्दी प्राप्त की, और सिटिंग चीफ मिनिस्टर जो थे, जैसे ही इलेक्शन अनाउंस होता है बेटे, इलेक्शन का रिजल्ट अनाउंस होता है, जो रूलिंग पार्टी है वो हार जाती है तो उसको जो चीफ मिनिस्टर होता है उस समय उसको रिजाइन देना पड़ता है। तो उस समय चीफ मिनिस्टर जो थे, जो उस समय प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने रिजाइन दे दिया। न्यू इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, नई लेजिस्लेटिव असेंबली MLAs इलेक्ट हो गए थे,
और नई लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्ट होकर लोक दल की चुनी गई थी। देवीलाल जो है उसके लीडर थे। द गवर्नमेंट इन्वाइटेड देवीलाल, गवर्नमेंट ने देवीलाल को गवर्नर ने देवीलाल को इनवाइट किया क्योंकि देवीलाल को 60 सीट मिली थी पार्टी को। तो गवर्नर बुलाता है, गवर्नर कहता है कि हाँ जी आपको बहुमत मिला है तो आप सरकार बनाइए। तो गवर्नर ने ऐसा ही किया, देवीलाल को बुलाया, न्यू चीफ मिनिस्टर के रूप में उसको अपॉइंट किया। तो 3 दिन के अंदर ही जैसे ही वो सरकार बनी, रिजल्ट के नतीजे आए, 3 दिन के अंदर ही जो है क्या हुआ कि इलेक्शन रिजल्ट डिक्लेयर होते ही चीफ मिनिस्टर बन गए देवीलाल। और जैसे ही चीफ मिनिस्टर बने देवीलाल, एज सुन एज ही बिकम द चीफ मिनिस्टर, हिज गवर्नमेंट इशूड ए गवर्नमेंट ऑर्डर, उनकी सरकार ने एक सरकारी आदेश पास किया, वेविंग द आउटस्टैंडिंग लोन्स, जो कर्ज किसान ने, जैसा उन्होंने प्रॉमिस किया था कि कर्ज उठा लेंगे, वेविंग द लोन्स, आउटस्टैंडिंग लोन ऑफ स्मॉल फार्मर, एग्रीकल्चर लेबर एंड स्मॉल बिजनेसमैन, इन सब के लोन माफ कर दिए गए। और इस तरीके से ये पार्टी ने काम किया। और हुआ क्या फिर नेक्स्ट इलेक्शन में, जब 4 साल बाद 1991 5 साल बाद इलेक्शन हुए तो फिर से बंस देवीलाल गवर्नमेंट हार गई, पॉपुलर सपोर्ट उन्हें नहीं मिला। तो क्या है इस प्रक्रिया से हमें ये समझ में आता है कि जब इलेक्शन होते हैं तब पॉलिटिकल पार्टीज भूमि प्रॉमिस करती हैं बढ़ चढ़ कर, परंतु जब इलेक्शन होने के बाद सरकार काम करती है 4 साल में वो सब कुछ भूल जाते हैं। यू ऑल आर वेरी वेल अवेयर। तो यहाँ आपको एक रूपरेखा तैयार की गई। अब क्या है इसमें देखिए, एक हिंट निकल कर आता है, वाई डू वी नीड इलेक्शन, कैसे कि इलेक्शन होने से पहले जो प्रॉमिस होते हैं हम उन पर उम्मीद रखते हैं, विश्वास करते हैं कि ये इलेक्शन जो है होने के बाद ये जो सरकार हम बनाएंगे ये सरकार अवश्य ही हमारी उम्मीदों पर खरी उतरेगी और इसलिए हम नई पार्टी को मौका देते हैं। बट फिर वही पार्टी अगले 4 साल में हमारी उम्मीदें पूरी नहीं करती तो हम उन्हें हटाकर दूसरी नई पार्टी को मौका देते हैं। सो अब यहाँ क्वेश्चन आता है, वाई डू वी नीड इलेक्शन, हमें इलेक्शन क्यों ज़रूरी है, क्यों ज़रूरत है इलेक्शन की। सो लेट्स रीड दैट, वाई डू वी नीड इलेक्शन। अब हम देखते हैं कि हमें इलेक्शंस की ज़रूरत क्यों है। सो वाई डू वी नीड इलेक्शन में देखिए, इलेक्शन टेक प्लेस रेगुलरली इन डेमोक्रेसी, ये तो डेमोक्रेसी का बेसिक फीचर है, आप डिस्कस कर चुके हैं कि हमें रेगुलर इलेक्शन की ज़रूरत होती है। देर आर मोर देन 100 कंट्रीज इन द वर्ल्ड इन विच इलेक्शंस टेक प्लेस टू चूज पीपल रिप्रेजेंटेटिव, अब लोगों को अपने नेता चुनने के लिए लगभग 100 से ज़्यादा देश हैं जहां लोग अपने नेता चुनते हैं, रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं, अपने नेता चुनते हैं। वी ऑल्सो रीड दैट इलेक्शंस आर हेल्ड इन मैनी कंट्रीज दैट आर नॉट डेमोक्रेटिक, और कई देशों में हमने पढ़ा था इलेक्शन डेमोक्रेटिक नहीं होते, जैसे मेक्सिको का एग्जाम्पल पढ़ा था, पाकिस्तान का। तो अब ये इलेक्शन हमें क्यों चाहिए, वाई डू वी नीड इलेक्शन, लेट अस ट्राई टू इमेजिन ए डेमोक्रेसी विदाउट इलेक्शन, अ रूल ऑफ द पीपल इज पॉसिबल विदाउट एनी इलेक्शन, इफ ऑल द पीपल कैन सिट टूगेदर एवरी डे एंड टेक ऑल द डिसीजन। अच्छा जी, डेमोक्रेसी कैसे, डेमोक्रेसी कल्पना कीजिए जहाँ इलेक्शन नहीं होते हैं, तो लोग क्या करते हैं कि हर जगह जहाँ पर इलेक्शन की ज़रूरत वहाँ नहीं है, जहाँ पर लोग एक हर रोज मिलकर एक साथ बैठते हैं और क्या डिसीजन लेते हैं, अपने अपने फैसले लेते हैं। बट हमें पता है कि हमने चैप्टर 1 में डिस्कस किया है कि लोगों के पास ना तो इतना टाइम है ना ही इतनी नॉलेज है डिसीजन लेने की। अब हर किसी को अपने काम पे जाना होता है, कोई नौकरी पर, कोई खेतों में, कोई कहीं काम पर जाता है, दे डोंट हैव टाइम टू सिट टुगेदर। अब डिसीजन लेने की ना ही नॉलेज होती है, उनके क्षमता नहीं होती है, दे डोंट हैव टाइम एज वेल एज नॉलेज, क्या डिसीजन लेना, कौन सा डिसीजन सही है, पढ़े लिखे नहीं होते हैं, दे डोंट एबल टू टेक डिसीजन। सो दैट देयरफॉर इन मोस्ट डेमोक्रेसीज पीपल रूल थ्रू द रिप्रेजेंटेटिव, इसीलिए डेमोक्रेसी में इलेक्शंस के द्वारा रिप्रेजेंटेटिव चुने जाते हैं, नेता चुने जाते हैं। जैसे बेटा हम डॉक्टर चुनते हैं, जो डॉक्टर क्या करता है, इलाज करता है, वकील वकालत करता है, हमारे लिए केस लड़ता है। हमें केस लड़ना नहीं आता, हमें पता है प्रॉब्लम हमारी है, केस हमारा है, परंतु हमें आता नहीं है कि कैसे इसे डील करना है, हम उसके लिए एक स्पेशलिस्ट हायर करते हैं जैसे कि वकील। ऐसे ही क्या है कि रिप्रेजेंटेटिव जो शासन चलाना है, देश कैसे चलाना है, सरकार कैसे चलानी है, हम नहीं चला सकते, वी डोंट हैव नॉलेज, तो हम उसके लिए भी एक स्पेशलिस्ट चुनते हैं जिसे हम लीडर कह देते हैं। तो ये लीडर रिप्रेजेंटेटिव लोग चुनते हैं डेमोक्रेसी में। तो इसी के साथ
हम नेक्स्ट उस पर चलते हैं कि इज देयर इज अ डेमोक्रेटिक वे टू सिलेक्टिंग द रिप्रेजेंटेटिव विदाउट इलेक्शन. लेट अस थिंक ऑफ ए प्लेस वेयर रिप्रेजेंटेटिव आर सिलेक्टेड ऑन द बेस ऑफ एज एक्सपीरियंस और प्लेस वेयर दे आर चूजन ऑन द बेस ऑफ एजुकेशन एंड नॉलेज. देर कुड बी सम डिफिकल्टी इन डिसाइडिंग ऑन हु इज मोर एक्सपीरियंस्ड और नॉलेजेबल. But let us say that people can resolve these difficulties clearly. Such a place does not require election. तो यहाँ देखिए यहाँ क्या है बेटा, यहाँ कह रहे हैं कि democratic way है election representative चुनने का. अगर हम democracy में representative चुने बिना, election करवाए बिना जो है representative चुन सकें, कोई और तरीका सेलेक्ट कर लें, जैसे कि हम ये मान लें कि जो एज में सबसे ज़्यादा है या जो एक्सपीरियंस सबसे ज़्यादा है उसको लीडर बना दिया जाएगा. अब आपने बहुत से बुज़ुर्ग ऐसे देखे होंगे जो डिसीज़न नहीं ले पाते हैं, जिनको नॉलेज नहीं होती है, उनको घर चलाने का या परिवार चलाने का या देश चलाने का एक्सपीरियंस नहीं होता है. तो ज़रूरी नहीं है जो उम्र में ही बड़ा हो जाए वो समझदार ही हो जाए, उसे ज्ञान ही हो और एक्सपीरियंस ही हो उसे. तो इसीलिए अगर एज और एक्सपीरियंस पर हम चूज़ करें लीडर्स को, तो ए प्लेस दे आर चूजन ऑन द बेस ऑफ एजुकेशन या फिर शिक्षा के बेस पर चुने, तो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा डिसाइड करना. इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू डिसाइड ऑन हुम इज़ मोर एक्सपीरियंस, कि कौन ज़्यादा एक्सपीरियंस है, कौन सबसे ज़्यादा जो है एक्सपीरियंस्ड है, नॉलेजेबल है. ये डिसाइड MBBS ज़्यादा इंटेलिजेंट है या LLB किया हुआ वकील ज़्यादा इंटेलिजेंट है या IAS ज़्यादा इंटेलिजेंट है. हाउ यू कैन डिसाइड, हाउ यू कैन से हु इज़ मोर एक्सपीरियंस्ड, तो ये डिसाइड करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा कि किसको लीडर बनाए. बट इसीलिए इस कन्फ्यूज़न से बचने के लिए ए प्लेस, ऐसा प्लेस जगह कहीं नहीं है जहाँ ऐसे डिसाइड हो सके. सो दैट्स वाई वी नीड इलेक्शन. अब हम चलते हैं कि वाई वी नीड इलेक्शन के अगले पॉइंट पर, कि हमने देख लिया कि ऐसा नहीं हो सकता कि सब लोग एक जगह बैठकर डिसीजन ले सकें, ऐसा नहीं हो सकता कि सब हम एज एजुकेशन और एक्सपीरियंस के बेस पर लीडर सेलेक्ट कर सके, क्योंकि इसे ऐसे तो डिसाइड ही नहीं हो पाएगा. कन्फ्लिक्ट हो जाएंगे कि कौन इंटेलिजेंट है, कौन एज्ड है, और एज्ड है तो उसको समझ है, ये सभी बातें अनडिसाइडेड रह जाएंगी. अब इसके बाद नेक्स्ट आता है तो बट वी कैन वी ऑल कॉल दिस प्लेस ए डेमोक्रेसी. How do you find out the people like they are representative or not? अब ये क्या, अब चुन भी लिया, चलो हमने कोई एक्सपीरियंस एजुकेटेड व्यक्ति रिप्रेजेंटेटिव चुन भी लिया, पर क्या उसे सभी पसंद करते हैं, क्या ज़्यादातर लोग उसे पसंद करते हैं, ये कैसे पता लगेगा? Now do we ensure that these representative rule as per the wishes of the people? और ये व्यक्ति जो हमने चुना है वो लोगों की इच्छाओं से काम करेगा, ये कैसे श्योर होगा? तो ये सब क्वेश्चन अराइज होते हैं कि how to make sure that those who the people does not like do not remain their representative. This require a mechanism by which people can choose their representative at a regular interval and change them if they wish to do so. अब यही है कि अब लोगों ने जिसे चुना है लोग उसे बदल सकें और वो लोगों की इच्छाओं के अनुसार से काम कर सके, तो ये एक mechanism, एक तंत्र, एक जो है प्रक्रिया है इलेक्शन, जिसके द्वारा ऐसा पॉसिबल है. तो दैट्स वाई वी नीड इलेक्शन. इट्स रिक्वायर्ड, दिस हमें एक मैकेनिज्म की ज़रूरत है, एक चक्र की ज़रूरत है, एक प्रक्रिया की ज़रूरत है, इन विच पीपल कैन, जिसमें कि लोग जो हैं वो चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव, अपने रिप्रेजेंटेटिव चूज कर सकें रेगुलर इंटरवल पर, उनको चेंज भी कर सकें. और इस मैकेनिज्म को क्या कहा जाता है? इलेक्शन. सो हेयर आर द पॉइंट, व्हाई डू वी नीड इलेक्शन, हमें इलेक्शंस की जरूरत क्यों है, ये हम पढ़ते हैं. व्हाई डू वी नीड इलेक्शन? सो फर्स्ट इज दैट दे कैन चूज हु विल मेक लॉ फॉर देम, कि इलेक्शन के द्वारा हम चूज कर सकते हैं कि हमारे लिए कौन कानून बनाएगा. दे कैन चूज हु विल फॉर्म गवर्नमेंट एंड मेक मेजर डिसीजन. तो इलेक्शन हमारी हेल्प करते हैं कि हम जो हैं वो, या वो लोग जो हैं, सरकार कौन बनाएगा और डिसीजन हमारे लिए कौन लेगा. दे कैन चूज द पार्टी हुज पॉलिसीज विल गाइड द गवर्नमेंट एंड लॉ मेकिंग, और वो चूज कर सकते हैं कि किसकी पॉलिसी सबसे ज़्यादा उनके लिए अच्छी रहेंगी और सरकार की जो नीतियाँ हैं वो कानून बनाने की वो अच्छी हैं.
तो इसीलिए हम इलेक्शंस की ज़रूरत समझते हैं। सो हेयर इज़ दैट वाई डू वी नीड इलेक्शन। सो फाइंडिंग आउट इफ़ द पीपल लाइक दे आर रिप्रेजेंटेटिव और नॉट, ये देखने के लिए कि लोगों ने जो रिप्रेजेंटेटिव चुने हैं उनके द्वारा पसंद भी किए गए हैं या नहीं, और मैकेनिज्म बाई विच पीपल कैन चूज द रिप्रेजेंटेटिव एंड चेंज दैम इन डिफरेंट इंटरवल्स। और ये इलेक्शन ही हमें एक प्रक्रिया प्रदान करता है, मैकेनिज्म प्रदान करता है, जिसमें कि लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव चुन भी सकते हैं और उन्हें जो है इंटरवल्स के समय के समय समय पर बदल भी सकते हैं। दैट इज़ वाई इलेक्शन आर असेंशियल। इसीलिए बेटा जी इलेक्शंस जो हैं वो हमारे लिए ज़रूरी हैं। दैट्स वाई वी नीड इलेक्शन। सो दिस इज़ आवर लेसन इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, जिसकी शुरुआत में हमने जाना कि इलेक्शन जिनकी हम इतनी चर्चा करते हैं, डेमोक्रेसी का जो बेस है क्या है, वो इट इज़ अ मैकेनिज्म, ये समझ में आ गया, और वाई डू वी नीड इट ये भी हमें समझ में आ गया। सो आई होप यू विल अंडरस्टैंड इट, रीड दिस अप टू हेयर एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।